एक दफा का जिक्र है पाकिस्तान के एक जगह एक मियां बीवी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन अक्सर इस बात पर परेशान रहते थे कि उनकी गुजर औकात ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। उनका ख्याल था कि अगर उनकी जिंदगी में कुछ मजीद आसानियां हो जाएं, तो जिंदगी उनके लिए बड़ी और हसीन हो जाए। खैर, उनको किसी ने मशवरा दिया कि फला शख्स के पास चले जाओ, वो आपको आपके मसाइल का कोई ना कोई हल जरूर बता देंगे। उन मियां बीवी ने उन साहब की बात मान ली और वो खैर उस साहब के पास पहुंच गए और कहने लगे, हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है, बजाहिर तो हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा इत्मीनान, कुछ ऐसा सुकून और खुशी हमें हासिल हो कि जिसकी बिना पर जिंदगी का हर लम्हा हमें बड़ा अच्छा लगे। उन्होंने इस शख्स से पूछा कि हम जो सुकून ढूंढना चाहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि हमें वही इत्मीनान मिल जाए? उस साहब ने कहा कि हाँ, आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एक अमल करना पड़ेगा। उन साहब ने कहा कि जी जी बताइए। वो कहने लगा कि अमल ये है कि आपको दुनिया में जो शख्स सबसे ज्यादा खुश नजर आता है, उसके पास जाओ और उससे दरख्वास्त करो कि वो अपने पहने हुए कपड़ों का एक जोड़ा आपको दे दे। जब आप वो जोड़ा मेरे पास लेकर आएंगे, तो मैं उन कपड़ों पर एक ऐसा अमल करूँगा कि आपकी जिंदगी बहुत पुरसुकून हो जाएगी। वो मियाँ बीवी सफर के लिए निकले और ऐसे किसी खुश और मुतमईन शख्स को ढूंढना शुरू कर दिया। किसी ने बताया कि वो शख्स बड़ा मालदार है, उसकी जिंदगी बहुत पुरसुकून है। उसके पास पहुंचे, अपना मुद्दा बयान किया तो उस शख्स ने कहा कि ठीक कह रहे हैं, मेरी जिंदगी में बहुत सुकून है, लेकिन एक परेशानी है कि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी तक साहिब औलाद नहीं हुआ हूँ। मैं और मेरी बीवी अक्सर इस बात पर रंजीदा हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि मेरी जैसी जिंदगी आपको मिल जाए, तो मैं आपको अपने कपड़ों का जोड़ा देने के लिए हाजिर हूँ। उन मियां बीवी ने सोचा कि ये तो एक बड़ा अलमिया है, इस शख्स के हिस्से में आया है, तो हम इससे कपड़ों का जोड़ा नहीं ले सकते। खैर, उन्होंने माजरत की और वहाँ से वापस आ गए। ढूंढते ढूंढते एक और शख्स के पास पहुँचे, पता लगा कि ये भी बहुत मालदार है और इसके बच्चे भी हैं। उसके पास पहुँचे और अपना मुद्दा बयान किया। वो शख्स कहने लगा, आप सही जगह आए हैं, हम भी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमारा एक बच्चा पैदाइशी माजूर है, उसकी परेशानी और तकलीफ हमें अक्सर रंजीदा कर देती है, लेकिन फिर भी अगर आपको हमारे पहने हुए कपड़े चाहिए तो हम हाजिर हैं। उन मियां बीवी ने सोचा कि इससे भी हम जोड़ा नहीं ले सकते, क्योंकि इसका बच्चा तो माजूर है और ये बड़े दुख की बात है। खैर, बिलाखिर वो उस गाँव के सेठ के पास पहुँचे, उससे मुद्दा बयान किया और कहने लगे कि हमें कोई ना मिला, पर आपकी जिंदगी से आप बड़े खुशहाल लगते हैं, आप ही हमें जोड़ा उधार पर दे दें। वो कहने लगा, मैं भी बड़ा खुश हूँ, लेकिन मेरा किसी के साथ खानदानी तनाजा चल रहा है और ये ऐसी दुश्मनी है कि हर वक्त डर लगा रहता है किसी भी वक्त मुझ पे हमला होगा और मैं अपनी जान खो बैठूंगा। अपनी हकीकत हाल मैंने आपको बता दी है, इसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अपना जोड़ा दे दूं, तो मैं दे दूंगा। खैर, उन मियां बीवी ने उस सेठ से भी माजरत कर ली और वापसी पर रास्ते से गुजरते हुए उन्होंने एक चरवाहे को देखा। वो चरवाहा दरख्त के नीचे बैठा हुआ सुकून से अपनी भेड़ें चरा रहा था। उन्होंने उससे हाल अहवाल दरियाफ्त किया और कहा कि सुनाए, आप कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई परेशानी या तकलीफ तो नहीं है? वो चरवाहा कहने लगा, बिल्कुल नहीं, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। उन्होंने कहा, असल में हमें किसी ऐसे शख्स की तलाश है जिसकी जिंदगी में कोई परेशानी ना हो, और उससे कहने लगे कि आप अपने कपड़ों का एक जोड़ा हमें अता कर दें। वो कहने लगा, काश मैं आपको अपना लिबास दे सकता, लेकिन ये लिबास जो इस वक्त मैंने पहना हुआ है, ये मेरा वाहिद लिबास है जो मेरी मलकियत है, मैं आपको ये नहीं दे सकता, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास पहनने के लिए कोई कपड़ा है ही नहीं, इसलिए मेरी माजत कबूल फरमाइए। लेकिन जाते जाते वो बात जिसका हल आप ढूंढ रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पूरी दुनिया में कोई शख्स आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी जिंदगी पर आप रश कर सके, या ये कह सके कि उसकी जिंदगी में कोई परेशानियां नहीं है, या उसकी जिंदगी से कोई तकलीफ जुड़ी हुई नहीं है। सबके साथ कोई ना कोई तकलीफ या परेशानी जरूर होती है, यही असल जिंदगी है। बजाय इसके कि आप मजीद इत्मीनान और खुशी से सरशार होने का जरिया तलाश करने में खौर होते फिरे, क्या बेहतर ये नहीं है कि आपको जितना हासिल है उसी पर कनाअत कर लें और शुक्र कर लें? अगर आप इस पर ही इक्तफा कर लें, तो यकीनन आपसे वही दौलत संभाली नहीं जाएगी जिस पर मजीद इजाफे की हवस में आप आज दर बदर हो रहे हैं। पाकिस्तान, अगर आपने भी जिंदगी के इस पहलू पर आज से पहले नहीं सोचा था, तो अब सोचिए। हम मिलकर जिस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं, उस पर कनाअत क्यों नहीं अख्तियार करते?
ज्यादा की हवस में हम उन नेमतों से भी जो हमें हासिल है अपने आप को लुत्फंदोज करने से महरूम क्यों रखे हुए हैं। हम जिस हाल में है अगर उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करें तो जिंदगी के बहुत से मामलात हमारे लिए ढेरों आसानियाँ और खुशियाँ लेकर यकीनन आ सकते हैं।